आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम गाजर का सूप बनाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए कुकर में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल ले लें। और 1 चम्मच भरकर बटर डाला है। और यहाँ गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। तो थोड़ा सा बटर मेल्ट होने पर इसमें 15 से 20 काली मिर्च डाल देंगे। यह आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1-1 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक को काट के लिया है। अब इन्हें हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और उसके बाद देखिए, मैंने 1 प्याज लिया है स्लाइस करके मीडियम साइज़ का। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना है प्याज को। अब यहाँ मैंने 1 टमाटर लिया है, जो मीठा वाला सलाद का जो टमाटर आता है वो 1 काट कर लिया है। बड़ा टमाटर है ये। इसे भी हम डालकर अच्छे से भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैंने यहाँ 2 कटोरी देखिए गाजर काट कर लिए हैं। ये 5 से 6 मीडियम साइज़ की गाजर थी। इसमें हम नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से अब 3-4 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि बटर का अच्छे से इसमें स्वाद हो जाए। और इसे हम ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब ये अच्छे से थोड़े बटर में भुन गए हैं। अब इसमें हम 1/2 लीटर पानी डालेंगे और इसे ढक करके 1 से 2 सीटी आप लगा लीजिए। वैसे 1 सीटी में ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। और जब तक कुकर ठंडा होता है, तब तक आप इसे ऐसे ही रहने दें। ठंडा होने के बाद, पूरी गैस निकलने के बाद इसे हम खोलेंगे। तो देखिए, बहुत अच्छे से गाजर टमाटर कुक हो गए हैं और पानी भी काफ़ी सारा हो गया है इसमें। अब इस तरह से छानते हुए हम गाजर और टमाटर को पीस लेंगे। और इसमें पानी मिलाकर आप पीस लीजिए। और सारे पानी को हमें उसी में मिला लेना है, वेस्ट नहीं करना है। और इसकी एक प्यूरी बना लेनी है हमें, पानी और गाजर की, मिक्सर जार में पीस करके। तो देखिए, इस तरह से ये सूप रेडी हो जाएगा। सारा पानी यूज़ ले लिया है और गाजर को पीस लिया। अब इसे हम बॉईल आने देंगे 1। तो ये बहुत अच्छे से 5 से 6 लोगों के लिए सूप बन गया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे। और थोड़े से आप देखिए इसमें मिक्स हर्ब डालिए, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये लास्ट में डालने हैं हमें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अब इसे हम 3-4 मिनट के लिए बॉईल आने देंगे इसमें। और देखिए, अब ये सूप हमारा बनकर रेडी है। बहुत ही टेस्टी सूप बना है और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है ये। तो आप इसे बनाइए और पीजिए। इसमें हम थोड़ा सा क्रीम से इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगा ये।